इसके अलावा कुछ ऐसे शेयर्स भी देख लेते हैं जो कल डेरिवेटिव मार्केट में काफी एक्टिव थे. उनमें एक सबसे पहला नाम जो है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का. कल ही नहीं, बीते 3 सेशन से प्रसार थी, लगातार हम इसमें लॉन्ग ट्रेड्स बनते हुए देख रहे हैं. ओपन इंटरेस्ट में भी इजाफा देखा गया और स्टॉक कल भी 8.5% के बढ़त के साथ 74 रुपए के स्तर पर क्लोज हुआ. दूसरा स्टॉक था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का, यहाँ पे 6.5% का इजाफा रहा कल के सत्र में. और एक और स्टॉक वो है बजाज फाइनेंस, 4.5% गेंस के साथ क्लोज हुआ. लेकिन इन तीनों में से आशीष आपका कन्विक्शन किसके साथ जाता है? प्रोसेसली क्रॉम्पटन ग्रीव्स 3-4 सेशन के मूव को देखने के बाद क्या यहां से और स्ट्रेच लेने की प्रोबेबिलिटी लग रही है? देखिए कल दीपाली क्रॉम्पटन में करीब 1% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है और स्टॉक के प्राइस में करीब 8% का इजाफा हुआ है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग लोअर लेवल से हमें स्टॉक के अंदर में देखने को मिली और अब जाके कहीं ना कहीं फ्रेश एक एडिशन ओपन इंटरेस्ट में बनता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते मुझे लगता है स्टॉक के अंदर में पोटेंशियल है कम से कम 80-81 के लेवल्स जो है ऊपर में टेस्ट हो सकते हैं. डाउन साइड में मुझे लगता है 70 का एक पोजिशनल स्टॉप रख के लॉन्ग पोजिशन क्रॉम्पटन के अंदर में रखी जा सकती है. आशीष, लेकिन निफ्टी बैंक पे आपका आउटलुक क्या है? और आशीष, मैं आई थिंक निफ्टी बैंक पे जरा चार दिखाइए. एक चीज गौर कर रहा था, ये अच्छा मॉनसून, उसके बाद 7 जून को आरबीआई की बैठक, पॉलिसी का आना, और आप ये देखिए आशीष, 9 जून को जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, जरा प्लीज एक बार डेटा पे आ जाइएगा, 9 जून को जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा ना, क्योंकि अब निफ्टी बैंक पर हफ्ते के हफ्ते दाव लगा सकते हैं आप कॉल ऑप्शन के जरिए, पुट ऑप्शन के जरिए. कल सबसे ज्यादा एडिशन आशीष वहां था 18,000 की कॉल पे, और मैं शायद इस प्रीमियम पैटर्न के साथ आशीष ये नहीं सोच रहा हूं कि वहां पे राइटर है और कोई राइट करना चाहेगा. आप निफ्टी बैंक पे या फिर किसी स्टॉक फ्यूचर पे क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं इस बार? जी हाँ बिल्कुल वीरेंद्र, मैं समझता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर में एक स्ट्रांग मूव की पॉसिबिलिटी बनती नजर आ रही है, क्योंकि 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद कल हमने एक बहुत स्ट्रांग मूव देखा और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है. ओपन इंटरेस्ट में बहुत स्ट्रांग एक एडिशन हुआ है और खास तौर पे पीएसयू बैंक्स जो कि लोअर लेवल्स पे एक अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट हमें दिखा रहे हैं, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग पीएसयू बैंक्स में भी एक्सपेक्ट की जा सकती है. और फ्रंट लाइनर्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि एक ऑल टाइम हाई के आसपास ये स्टॉक्स चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 18,000 के लेवल्स जो है वो इस हफ्ते में ही हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं. तो नेक्स्ट जो 9 जून की जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, उसके अंदर में मुझे लगता है बैंक निफ्टी 18,000 के लेवल को टेस्ट कर सकती है. जी, कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज खबरें हैं उनमें नवकार कॉर पर आप नजर रखकर चले. सब्सिडरी को हजीरा टर्मिनल पर सीएफएस के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है. केआरआईएल के सीएफएस के ऑपरेशन और मैनेजमेंट का ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है. नवकार कॉर पर आप नजर रखकर चल सकते हैं. जीपी एसोसिएट्स पर भी खबर है, बैंकों के 4,500 करोड़ के लोन और ब्याज पर डिफॉल्ट किया है. वेल्थ डिस्ट्रॉयर रही है कंपनी, बहुत सारे कंसर्न्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं इस पूरे ग्रुप के साथ. हाई डेट, मैक्सिम मोटर होल्डिंग प्लेस्ड है, कॉशियस रहे जेपी एसोसिएट्स पर. क्लेरिन केमिकल्स, सीसीआई ने मंजूरी दी है लेनकेस इंडिया के साथ डील को, ये मंजूरी मिली है. क्लेरिन केमिकल एक और शेयर रहेगा, कल फ्लैट क्लोज हुआ 662 के लेवल्स पर. एक डॉक्टर रेड्डीज पर भी खबर है, इसे भी देख लेते हैं. माइलन ने यूएस में विदाजा का जेनरिक लॉन्च किया है और एक्टाविस के पास भी विदाजा के जेनरिक के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी मिली है. फिलहाल केवल डॉक्टर रेड्डीज ये जो कि विदाजा का जेनरिक वर्जन बनाती है, तो अच्छी डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि एक और प्लेयर आ गया है जो कि विदाजा का अब जेनरिक वर्जन बनाएगा. लेकिन मिस्टर महाजन, पूरे ही फार्मा स्पेस की बात करें, कल दिग्गज भले ही परफॉर्म ना कर रहे हो लेकिन छोटे फार्मा स्टॉक्स, वीनस रेमेडीज आप देखिए, बफना फार्मा देखिए, यहाँ पर अच्छा खासा स्ट्रेच कल के सत्र में हमें मिला था. तो अभी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से कंफर्ट आपको कहाँ मिल रहा है? छोटे फार्मा शेयर्स अच्छे लग रहे हैं या फिर बड़े फार्मा शेयर्स क्योंकि हाल ही करेक्शन के बाद वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव हो गए हैं, देखा जा सकता है? जो बड़े फार्मा शेयर्स हैं, दे हैव कम अंडर रेगुलेटरी स्कैनर एज फार एज यूएस एफडीए इज कंसर्न्ड. अ लॉट ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग विद 483. As a result, we are seeing the sector, which was rich in valuation and had been growing consistently for last decade or thereabout, came under significant pressure. Or it is not related to a company, it is virtually across the board in large cap companies. Companies are desperately working to address this issue. Or agar frontline mein koi thoda sa patient investor rehna chahe, to Lupin is one stock which comes to mind immediately, which should be one of the bigger beneficiaries. Mid-cap companies mein, we have been focusing on Stride Shashun. We believe this stock can deliver return of 20 to 25%, maybe 1400 or thereabout in next 1 year.